मुखबिर की सूचना पर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब वाहन चेकिंग के दौरान इनोवा गाड़ी से 1.5 दर्जन अवैध शस्त्र बरामद हुए। इसके साथ ही 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि दही थाना अंतर्गत यह बरामदगी हुई है। रोडवेज वर्कशॉप के पास वाहन चेकिंग के दौरान इनोवा गाड़ी से 1.5 दर्जन अवैध अस्त्र बरामद हुए हैं। दही और हमारी स्वाट टीम के द्वारा एक वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसमें से एक इनोवा गाड़ी बरामद हुई, जिसमें 4 लड़के पकड़े गए। उसकी तलाशी हुई तो उनके कब्जे से लगभग 18 तमंचे और कारतूस और कुछ पैसे बरामद हुए हैं। इस संबंध में दही पर मुकदमा, दही थाने पर मुकदमा पंजीकृत करा करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इन जो पकड़े गए हैं अभियुक्त, उनकी जो है इनके आपराधिक इतिहास की भी जांच कराई जा रही है। शुरुआती जांच में ये पता चला कि ये यहाँ पे कई जनपदों में इनकी जो है मतलब सप्लाई की वो है, कई जनपदों में सप्लाई करते हैं, सबकी विस्तृत जांच हम लोग कराए। आपराधिक इतिहास की जो है मतलब की जाँच कराई जा रही है। चुनाव से पहले इस संबंध में संपूर्ण प्रकरण की विधिवत जांच कराई गई।